इससे अच्छा मैच हो भी नहीं सकता, एक नंबर में इससे अच्छा मैच नहीं होगा। फिर से चले और दिलीप ने खेल दिया है, भाग रहे मिडिल। पहला ओवर 73 अनुराग के द्वारा, स्टार पर कृष्णा और अंपायर का इशारा हुआ मानिकचंद की टीम का, कृष्णा स्ट्राइक पर और खेलना चाह रहे थे लेकिन दोनों टीम में तगड़े तगड़े बल्लेबाज और बॉलर, और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन इतना ही अच्छा था, ज्यादा रुचि नहीं लेना चाह रहे क्योंकि कृष्णा भी जानते हैं अगर रहेंगे परेशान में है अनुराग, और इसे पैर से गेट टकराए का खतरा लेकिन वहां पर जीतू खड़े थे गेट तक पहुंचे ही नहीं, एक आधा चांस कन्वर्ट करना होगा और फिर से बहुत ही लंबा किया दिया है, बहुत ही लंबा जीतू के बल्ले से निकलता हुआ किया था पहला छक्का और स्कोर रेटी के साथ 12 रन ओवर की समाप्ति। एक बार जीतू तो स्कोर है 18 रन, फिर से बहुत ही गंदी गेंद लेफ्ट साइड के एरिया में और अंपायर का इशारा, स्कोर है 19 रन। फिर से अभी इस ओवर में एक गेंद लिया कृष्णा, बहुत ही दूर तोड़ से गेंद टकराई गई, वरना ये छक्का तो फिर भी है लेकिन अगर गेंद पेड़ से न टकराई होती तो ये बहुत दूर छक्का जाता, लीगल की रख लेती गई है जिसमें 3 छक्के लग चुके हैं, 2 इसमें से कृष्णा और 1 मिट्टू के बल्ले से, 25 रन स्कोर। फिर से बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल आप अगर वापसी कर सकते हैं तो गेंदबाज भी वापसी पर अपमान कर सकता है, और इसी के साथ फिर से अभी पेड़ की तरह जा रहे हैं, संभवतः ये भी लगभग इसी स्थिति में एक रन गेट टकराएगी पर लग बाल के रूप में अंपायर का इशारा, इसी 1 रन के साथ स्कोर है 26 रन। कृष्णा 2 छक्के लगा करके खेल रहे हैं और एक छक्का, और ये बहुत ही गेंद अकलमंदी दिखाई, और फिर से आप किया है कृष्णा के लिए, और ये गेंद धनवान है किस्मत के काफी लकी है, गेंद अभी स्वयं कितनी अच्छी गेंद करते हैं लेकिन ये स्लोअर गेंद फंसाया था, बहुत ही प्रमुख हथियारों में से एक है ये, और एक रन दौड़ कर पूरा किया दूसरे रन खतरे के साथ लेकिन पूरा इसको निकलेंगे शो के साथ, स्कोर है के द्वारा फेंका जा रहा है ओवर बिट्टू के लिए, और बहुत ही अच्छा शॉट सीधा खिलाड़ी के सामने, 1 रन मात्र 1 रन और मिलेगा तो स्कोर कृष्णा स्लोअर गेंद, बहुत ही मैं पहले ही कह रहा हूँ बहुत ही प्रमुख हथियार है ये अनुराग का, वो स्लोअर गेंद करते हैं इनको कंट्रोल में करते हैं, विकेट इनको मिला बहुत ही प्रमुख हथियार, नाम भैया बता दीजिएगा बल्लेबाज, और आजम फिर से बहुत ही शानदार, बिल्कुल स्लोअर तो ही करते हैं लेकिन स्लोअर से भी तत्पर से स्लो है 31 रन। मुजम्मिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, साके छक्के मार रहे हैं, जो मार रहा है कपूर बहुत ही शानदार, ये 2 1 रन और स्कोर फिर से एक बार मुजम्मिल, और बहुत ही अच्छी गेंद, और इतना ही अच्छा जान रहे थे कि ज्यादा खतरा लेना मोल नहीं, ज्यादा मौका नहीं दे रहे इस ओवर में रन बनाने का, अब तक भी दे रहे, और कृष्णा के लिए गेंद को खेल दिया, गोभी की तरह गेंद जा रही है लेकिन फिर से गेंद टकरा गई पेड़ से, अगर कृष्णा हर संभावना निश्चित है फिर से, और इसे खेल दिया है नीचे खिलाड़ी लेकिन एरिया में, फिर से एक बार मुजम्मिल फिर से गेंद पड़ी है उसके पीछे खुद मुजम्मिल आउट, तो बिल्कुल आप नहला रहा हूँ पिछले मैच के हीरो, 4 ओवरों में
72 रन पेश कर दिया था। राहुल के सामने मुझे मिलो ये पार कर सारा वर्ल्ड भोजपुर के टीम के खिलाड़ी तो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो रे स्लोर एकदम बिल्कुल अनुराग ऐसा ने कृष्णा जो यहाँ पे फंसा लिया लग रहा है ऐसा लेकिन बुरा नहीं पाए होके और ये गेट को खोद दिया है कीपर भी 90-95 में ओवर फेंकते तो कितना मुश्किल होता है इनका बात कर रहे थे ओवर की नाम लिए तो का पूरा एकदम बड़ा के विकेट का मौका भी मिला था लेकिन बहुत ही अच्छी अंपायर ने कोई रन नहीं दिया है एक रन 42 दिया ओवर में 4 डाट गिरे हैं हो चुकी है अरे जड़ में बिल्कुल कोई मौका ही नहीं ओवर की समाप्ति अब गेंदबाजी नहीं कर सकते इसके बाद प्रेशर में चलने कृष्णा ने पूछा तो जब महापुर अंधार का इशारा नहीं डाल दिया तो स्कोर है 50 रन छठवा ओवर चल रहा है बिल्कुल नियम लग रहा है संघर्ष कर रहे पिछले मैच के हेरे थे भागपुर की टीम और आपको बता दें छठवा ओवर चल रहा है जो कि मैच का सभी इकट्ठा रहा बॉल वाल को लेकर लेकिन फिर से एक बार में जमे कृष्णा 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 बहुत ही शानदार मौका और फिर से गेट को स्ट्राइक 51 रन फिर से और एक रन के लिए खेल दिया है लॉन्ग लास्ट एरिया पे और एक ओवर के समाप्ति के बाद स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे 6 ओवर के समाप्ति के बाद इसको और 4 रन इमरान का है और खेल दिया इसको हल्के हाथों से सीधे बिल्कुल मेमरी रोप पे ले लिया है गैरिया ने 6 रन इमरान की पहली गेंद पर छक्का है अपने सामने और काफी देर के होते हैं 30 रन कुल मासूम और ये बहुत ही शानदार खिलाड़ियों का शानदार भी अपना 64 रन सब बता रहे हैं और बहुत ही अच्छी गेंद और इतना ही अच्छे शॉट तो 1 रन पूरा किया और 1 रन मिलेगा और थ्रो गंदा थ्रो कहा जाएगा जो 1 रन बचाया था वो 1 रन थ्रो के रूप टीम का 66 रन 17 ओवर 73 इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं और इसके बाद फिर से इमरान बहुत ही महंगा ओवर कर रहे हैं लेकिन जड़ में गेंद जड़ में 73 रन स्कोर है 73 रन मासूम और 1 रन और मिल जाएगा अगर झाड़ियों में गेंद जाती है तो 1 रन वापिस किसी बल्लेबाज को देने की जरूरत नहीं अगर बाहर है तो आप दे सकते हैं ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 74 रन मासूम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजम्मी नीचे प्लेयर और आउट सॉरी बिक्की मुजम्मी खेल दिया है किस्मत के ना धनी बिक्की 6 रन था इतने सारे लेफ्ट हैंडर फिर से और बहुत ही शानदार गेंद लेकिन लाल पत्ता पकड़ के बी को राहुल काफी संघर्ष कर रहे हैं इस मैच में बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन अभी तक मौका नहीं है काफी
कर रहे हैं मुजम्मिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं खेल लिया राहुल लेकिन फिर से ग्लेट टकराई लेफ्ट हैंड होने का पेड़ नुकसान यहां पर ये है भाई जो इनका ये एक्स्ट्रा कर रही है राइट हैंड के लिए भी इसी एरिया में राइट हैंड के लिए भी पेड़ों की भरमार है तो एक रन और बढ़ जाएगा हल्का बिल्कुल बांट के रखा हुआ मुजम्मिल बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही शानदार गेंदबाजी मुजम्मिल राहुल खेला है ब्रांडे शॉट वहां पे किरणी पांडे अभी तक इस मैच में ओवर 80 रन तो मात्र 6 रन का जीत हुआ है इनका भी पहला ओवर महंगा था लेकिन लेकिन बल्लेबाज भी काफी दूर से संघर्ष कर रहे हैं वाइड हो रहे रन आउट का खतरा लेकिन एक गेट जो की वाइड ओवर के रूप में आया तो फिर से एक बार दिक्की और चार रन भैया 86 रन 9 प्रगत पर जीतू के द्वारा बिक्की बिक्की और ये बहुत एक बात आप देख रहे होंगे बिक्की जो ये बैट का तो शानदार जो गेट का टप्पा है उसको अपने पास तक आने दे रहे और ये एक रन मिल जाएगा दूसरे रन के दौड़ रहा है खतरा है लेकिन फ्लोर ही नहीं किया 2 रन मिल जाएंगे 88 9 ओवर 73 फिर से गेंद है बिल्कुल एकदम बहुत शानदार विकेट के बीच में रनिंग दोनों ही खिलाड़ी थे रन है तो रनों को भी चुरा रहे हैं दौड़ कर भी रन डाल रहे फिर से एक रन दौड़ लिया दूसरा रन राहुल चाह रहा है लेकिन मिलेगा नहीं एक ही रन तो बढ़िया अगर एक चौका लगा मात्र जो में थोड़ा एक्स्ट्रा रन है लेकिन अच्छा है तो 11 रनों का ओवर था और डिस्कवर पहली बार गेंदबाजी इस मैच में करने बहुत ही शानदार गेंदबाज जिमरान पहला ओवर करके गए थे अपना उनके कोटे का ये ओवर कर रहे हैं क्योंकि पहला ओवर काफी महंगा किए थे इसके लिए डिस्कवर के हाथों में सामने राहुल वाइट राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल भी अच्छे बल्लेबाजी होता है खिलाड़ियों का गिन होता लेकिन अभी भी एक रन बिल्कुल वहां जान रहे हैं मेरा गिन तो रन को नहीं छोड़ रहे एक रन लोग बाइक रन बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा इस मैच में राहुल को लेकिन डिस्कवर फिर से खेल दिया है वहां गेट चूने से टकरा गए पेड़ से टकरा गए एक रन क्रिस में जब तक बॉल डेडलाइन पास नहीं हो जाती तब तक आज क्रिस के विनर बने रहे एक रन दे दिया है दूसरा रन खतरा है खतरा है खतरा है खतरा है खतरा है ये थोड़ा चालाकी दिखाया तीन रन पूरा कर लिया राम राज ये चकमा खा गए क्या करे दो रन एक्स्ट्रा दे लिया और फिर से रन आउट का खतरा है लेकिन वहां जो है जून गई गिरने के बाद एक रन आउट का पूरा किया दूसरा भी अब नहीं अगर नहीं हम पारा क्लियरली नो दीजिए नहीं आप सोरन सोरन पूरा हो गया नहीं मारिकन के टीम का सोरन अभी हो जाते हैं फिर से एक रन दौड़ कर रखे दूसरा दौड़ेंगे जरूर लेकिन आउट जिनने बनाई गई इसको दौड़ने का स्कोर है काफी शानदार बल्लेबाजी ब्लॉक की टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाए और 102 रनों का टारगेट दिया भानपुर को इस टारगेट को चेस कर पाती है भानपुर की टीम या नहीं आने वाला एक ही बताएंगे और वीडियो में बने रहे लास्ट तक देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर अपने दोनों टीमों के लिए और हमने पहले ही कहा था अगर थंडर को दिक्कत है तो भाई राइट थंडर को भी दिक्कत है अगर थंडर का छक्का रुक रहा है तो राइट तो पहली गेंद पर एक रन और बहुत ही अच्छी गेंद है हल्के हाथों से अफसोस ने खेल दिया एक रन और मिल जाएगा तो स्कोर 2 रन पहला ओवर प्रभुक्ति ये गेंद बहुत बड़ा विकेट
محمد حسن نے جو تین بیان دکھاتا حاضر ہے اس میچ میں یہ کیا کرتا بھائی یہ تو دم کھلاڑیوں کے جو اس ایریا میں ہم کو لگ رہا ہے یہ پہلی بار ہم دیکھیں گے پھر سے تماشا کر دیا ہے دو گیٹوں میں कृष्णा बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार ओवर के समाप्ते मूल जमेल लेके अपने कोटि का पहला ओवर लेके आया है स्लोअर गेंद ये बैकअप हैंड स्लोअर गेंद नॉर्मल बॉल उनकी यही होती है या फिर तैयारी हुई मुजम्मिल के साथ था मुजम्मिल छाए हुए हैं इस मैच में फिर से बहुत ही शानदार मौका ही नहीं दे रहे हैं वहां तक चलाने का नशे की है अगर एक रन जा रहा है तो मानिकचंद के टीम को इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर कर रहे हैं शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन मुजम्मिल और ये रिवर शॉट खेला और ओवर की समाप्ति 17 रन क्या शानदार गेंद खड़ा उल्टा चढ़ा था वो कम कर दिया बराबर कर दिया है राहुल राय गेंदबाजी का टेक मोती और बड़ा ही शानदार यार बड़ा ही जबरदस्त ये टीम है जो और छक्के मार रहा है भाई दोनों ही खिलाड़ी एकदम दोनों ही टीम में खिलाड़ियों की भरमार है और बहुत ही अच्छे जो राहुल बहुत ही शानदार उतना ही कट साठ पॉइंट की दिशा में वहां दो रन फिक्स है वहां खिलाड़ियों की दौड़ने की जरूरत नहीं है दो रन फिक्स है और यही बता दें अगर पहला एक्स्ट्रा वाइड है अभी तक इनके और ये फिर से राहुल का खतरा राहुल और ये खुलना चाह रहा था साइड में लेकिन वहां आगे पाव से टकराई और अंपायर का इशारा एक रन तो लेग बाय के रूप में एक रन और स्कोर का बाउंड्री पर खड़ी है अभी लेकिन फिरोज भाई बहुत दूर बड़ी ही ताकत है इन खिलाड़ियों में मुझ ट्राई की कर रहे थे तो स्कोर 34 रन और फिरोज फैला मैं अच्छा करके देते लेकिन इस ओवर बहुत अच्छे से मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच और ये फिर से छोरन ये भाई क्या चल रहा है ये मैच में जो और ये शानदार ये क्या दिमाग से खेल रहे हैं बिल्कुल आराम से जैसे था छक्का जान रहे थे उसके बाद में हल्के हाथों से खेल के एक रन स्लोअर एकदम जड़ में फेंक दिया 40 रन गेंदों का सामना करेंगे इमरान क्या एक्सलेंट शानदार बल्लेबाज है सामने है इमरान और ये मिसफील्ड बड़ा मुकाबला है आप लास्ट ओवर में पहले वो जो खेले थे अब से और इसे अच्छे के बल्ले से एरिया में लेकिन एक रन मात्र मिलेगा जहां पर कप्तान खुद मौजूद न भी बिल्कुल स्ट्राइक पर मासूम उनकी बल्लेबाज सामने इमरान बहुत दूर यहां से एक हमारे चाचा जी पर उसको सतर्क के साथ कवर कर लिया है इमरान फिर से नीचे खिलाड़ी तीन के ऊपर ध्यान मुड़ के तीन के ऊपर तो ऊपर बनती है तो छक्का और आए हैं फिर
ختم بجت رفر لے تم نے پرانی رکھ کر سکتا پھر سے سنوار کیا کھل کر کوئی مخلاص ہے اس کو نہیں ختم ہونے جا رہا ہے اپنے لئے پھر سے اور یہ خطرہ اور ڈاؤ لندن لیکن پھر بھی کرکٹ ہے چلے گا خطرہ بالکل بات کر رکھے شاندار گیند بازی کر رہے ہیں اور ڈسکلر کھیل رہا ہے اس کے پوائنٹ کے ایریا میں ایک رن مل جائے گا تو اسکور 63 ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے گا کھڑا ہو کنٹرول میں سے باہر جاتا ہے بھانپور کی ٹیم سے لیکن یہ میچ میں آ رہی ہے تین اوور ہیں لیکن ابھی اس اوور میں رن بنانا ہوگا کیونکہ اس میں فل ٹاس ہے خطرہ لیکن وہاں کوئی کھلاڑی نہیں ایک رن ہوگا سات رن خلیل کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے میچ کے اگر گیند بازی کر رہے ہیں بھائی میچ کو باندھ دیا ہے باندھ دیا میچ کو پوری طریقے سے خلیل मात्र एक रन बड़ा ही तगड़ा बदलावी करते जा रहे हैं माथुर देखो नगर आप तो अगर ओवरों की बात की जाए तो 7 ओवर हो चुके हैं राहुल है बदलावी करने के लिए उसको खेल दिया है 4 रन यहाँ पर खिलाड़ी का भी कराएंगे तो 3 ओवर उनका फिक्स लग रहा है उनके कोटे का और खेल दिया स्ट्राइक हल्के हाथों से खेल दिया पहले ऊपर चौका नहीं हुआ उसके बाद में स्ट्राइक हो गया और का खतरा लेते रहे राहुल के सामने जीतू खेल दिया है कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं 1 रन खलील मैच में पूरा दारो मदार अगर भांत क्रिकेट खलील اور یہ کیا شاندار گیند خلیل بہت دور مار دیا ہے لیکن اس کے نیچے کھلاڑی کہہ سکتے ہیں گولوں کو پاڑ کے رکھ رہے ہیں پیڑوں کے بیچ سے آ رہے ہیں چھکا بھی ٹھیک اس کے پہلی گیند پر لگائے تھے اور یہ بھی کھلیل ناکائے نہیں یہ اوور کی سرکٹی سوری میری چمکٹی اگر میچ ختم نہیں ابھی بھی رن بنا سکتے ہیں اگر تو بتائیں گے 4 رن ہیں لیکن کوئی معصومیت نہیں کہ آج بھانت کے ٹیم پہ جو میچ میں ڈفرنس دو کھلاڑی پہلے بڑے وکٹ مجمل کا وکٹ ہے عمران کا وکٹ ہے معصوم کیے گئے لگ بھنڈا کوئی موقع نہیں چڑھ کے گیند بازی کر رہے ہیں گیٹ پہ چھپ کر جاتا ہے تو لاسٹ اوور میں پوزیشن کا کروانا ہو سکتا ہے کھلاڑی ہے موجود میں آل آؤٹ مار دی